तो नगर पंचायत ननौता के अंदर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और हमारे साथ में एक वार्ड सभासद के जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे वकील मलिक जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वार्ड नंबर 10 से। उनके साथ में जिम्मेदार लोग और उनके समर्थक युवाओं की टीम पूरी इस वक्त हमारे साथ में हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। सबसे पहले रूबरू कराते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे वकील साहब से। सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? भाई मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो ये महिला सीट है, 10 नंबर वार्ड, मेरी वाइफ लड़ रही है जिसका नाम गुलिस्ता परवीन है और इंशाल्लाह पहले भी मैंने उसको यहाँ से इन लोगों का सहयोग रहा कि इन लोगों ने हमें वोट दिया और हमने निशान मिला है। अब की बार ओखली का निशान है, पहली बार राम का था, इंशाल्लाह पहले भी अल्लाह ने हमें जिता था यहाँ से और अब की बार भी इन लोगों से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ से विकास किया है, इन लोगों का दिल जीता है तो इंशाल्लाह अब कभी विकास करेंगे और इन लोगों का काम किया है तो ये लोग मेरे साथ जुड़े हैं। नगर पंचायत ननौता के अंदर एक शख्सियत है जिनका नाम लियाकत है, लियाकत खान साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन जानने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी। आपका समर्थन है सर इनको? हाँ जी पूरा। किस तरह से? पूरी फैमिली के साथ? पूरी फैमिली है, पूरे जितने मेरे वोट है सबके साथ। क्या लगा है आपको नगर पंचायत के वार्ड के अंदर? आदमी सही है, दमदार लमड़ा है, ईमानदार है। कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो नागरिक रहते हैं उनके मुँह से निकली बात वो पत्थर की लकीर हो जाती है। और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं की टीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम है जी सोनी मलिक। कितने लोगों के साथ में समर्थन कर रहे हैं? इनके साथ है जी हमारा समर्थन, बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्हों गरीबों को काम करना पसंद है, घर घर जाकर ने सब कहता है भाई फला योजना आ लिया, जाइए उब्बो आ जाइए उब्बो, ऐसे करें बढ़िया काम करें। क्या क्या कहना चाहेंगे? तो चलिए, कुछ लोग हेजिटेशन फील करते हैं, उनकी खुद की अचीवमेंट्स रहते हैं, खुद की पर्सनल लाइफ है, पर कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशी के साथ में वो हैं और जिम्मेदार नागरिकों के साथ में उनके कैमरा खड़े हैं तो कुछ ना कुछ अपनी राय उनको रखनी भी जरूरी होती है। भाई साहब क्या नाम है आपका? फैजान भाई। इसको छोड़ के भी आप बात रख सकते हैं? ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी? ये हमारे प्रत्याशी है जी, इन्होंने पहले भी चुनाव लड़े हैं, ये जीतते इंशाल्लाह, इन्होंने हमारा काम जो भी काम पड़ा वही काम करा हमारा, इंशाल्लाह हम इनके साथ है और आगे भी इनके साथ रहेगा और हमारे चचा हैं जो पत्रकार साहब हैं इनके साथ है और साथी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपको? मोहम्मद नासिर। क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी के बारे में? ये प्रत्याशी में ये कहना चाहूँगा जी कि जैसे वकील मेंबर वार्ड नंबर 10 में है, एज मेंबर कोई आया ना कोई आएगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि वकील को ही वोट दें और वकील को ही कामयाब करें क्योंकि विकास करता है, घर घर जाता है, घर घर पूछता है वो अब्बो या भाई या भांजा आप बताइए क्या चीज़ है क्या नहीं, तो ये देते हैं घर घर जाके। इनसे बड़े अंदर कुछ कमी रही है पहले पिछले बार जिस जब तक ये रहे, जब तक कोई कमी नहीं है, जब तक ये और प्रत्येक और मेंबर बने हैं जब तक कमी रही है, पर बाकी जब तक ये वकील मामू लगे मेरा, पर इनके होते हुए कोई कमी नहीं आई विकास में, ना कोई मिशन की, ना कोई सड़क की, ना कोई फ्लेश की, ना कहीं की भी। अपने भाइयों के और फैमिली के साथ में समर्थन करते हैं? पूरा फैमिली के साथ। और भी साथी मौजूद है हमारे साथ में, उनसे जान लेते हैं। नाम जानना चाहेंगे भाई साहब? नाम बता दीजिए अपना। जी गुलजार। गुलजार किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? भाई वकील के साथ रहेंगे, पूरा इसे जिता लेना। कोई राहत याद आई है आपकी, उनकी राहत याद आई है आपको कोई? हाँ। किस तरह से वर्क कराया उन्होंने यहाँ पे? बढ़िया कवर कराया उन्होंने। सीधे सद्भाव के व्यक्ति भी रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी बात को अच्छे से रखना भी नहीं आता, तो शरीफ लोगों की यही खास बात रहती है कि वो जिस तरह से उनको राहत कोई मिलती है तो वो याद आ जाती है और कहीं ना कहीं जिम्मेदार लोगों के साथ में खड़े हो जाते हैं। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो वार्ड नंबर 10 से सब लोग बिरादरीवाद की बात करके इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे मुझे पिछली मर्तबा सभी समाज के लोगों ने मुझे यहां से पराजित किया था, जिताया था, इसी तरीके से अब कभी इन लोगों से वोट की अपील करता हूं कि ओखली का निशान है, मेरे घर वाली लड़ रही है जिसका नाम गुलिस्ता परवीन है, मैं बता चुका हूँ, ऐसे ही ये लोग मुझे वोट दें और मैं इनका सम्मान करूँ, इंशाल्लाह इसी तरीके से इन लोगों का काम करूँ और विकास इन लोगों के बीच में है कि मैंने विकास किया है या नहीं किया, अगर विकास किया है तो इंशाल्लाह दोबारा फिर जीत होगी, अगर विकास नहीं किया इन लोगों का दिल नहीं जीतता तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह जानता है, अल्लाह उसके फैसले करेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछली बार आप चुनावी मैदान में थे और अब की बार आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको किस तरह की आशा है इनसे, क्या करा सकते हैं नगर पंचायत वार्ड में? है दमक आदमी है, लमडा से ईमानदार है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा समर्थन इसके साथ है, लगन है ऐसे काम कर। ये आपका भाई है या मतलब ये दबंग आदमी? छोटा है, दमंग से मैं डरता नहीं लेकिन छोटा भाई है बस, दमंग विकास करा देंगे। हाँ दमंग दुमंग कोई नहीं होता मेरे सामने। लाल बादशाह भाई को जिताए और भाई ऑटो से कीमती बनाए।
पल पल की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। नगर पंचायत नानोता के वार्ड नंबर 10 की जो ये खबर है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बात को हंसते मुस्कुराते हुए और अपने अंदाज में अपनी बात को रखा है। अपने साथी मोहम्मद नौशाद के साथ मैं आस मोहम्मद, नए अपडेट के लिए बने रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज के साथ।